जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों यहाँ पे एक कोरिलेशन भर्ती हमारे सामने आ चुकी है जो कि जैक लाई रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे सामने आप देख सकते हैं। फुल चार्ट है, पीडीएफ फाइल है मेरे पास, आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में आपको पूरी अपडेट मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आर्मी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट्स और नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल पर सबसे पहले अपलोड होते हैं भाई, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपके प्यार और सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। अब सबसे पहले बात कर लें, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट यूएचक्यू कोटा रैली स्पोर्ट्समैन म्यूजिशियन ओपन रैली। तो यहाँ पे रिलेशन की भर्ती और स्पोर्ट्समैन और म्यूजिशियन की भर्ती होगी, ठीक है। और कब से कब तक होगी? 24 मार्च से 26 मार्च 2021 तक ये भर्ती चलेगी। अब वेन्यू की बात करें तो ये जैक लाई रेजिमेंटल सेंटर है जो कि श्रीनगर में होगी भर्ती, ठीक है। और रिपोर्टिंग आपकी क्या है? सुबह 6 बजे से 12 बजे तक आपकी रिपोर्टिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज शेड्यूल ऑफ रिक्रूटमेंट रैली, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट दी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन में 24 मार्च 2021 को उनको रिपोर्टिंग करनी है इन सभी डिस्ट्रिक्ट को। दूसरे नंबर में जो डिस्ट्रिक्ट दी हैं वो आपको 25 मार्च को रिपोर्टिंग करनी है। और नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे बताया ऑल इंडिया जो कि आपको 26 मार्च 2021 को रिपोर्टिंग करनी है। अब बात कर लें यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी, रेस्ट ऑफ इंडिया ट्रेडमैन, ठीक है, ये सभी इसमें 26 मार्च को रिपोर्टिंग करनी है। और अगर आप फर्स्ट यहाँ पे देखोगे कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे बताया हुआ ट्रेड सोल्जर जीडी, ठीक है, जनरल सोल्जर जीडी। और यहाँ पे बताया कि ओनली जो आपके रिलेशन वाले हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन के बारे में बताया, एज कट ऑफ आपकी 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 रखी गई है। तो आपको बता दूं इसमें ओनली यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर स्पोर्ट्समैन में भाई, ठीक है, जीडी में। और सोल्जर स्पोर्ट्समैन जो आपकी भर्ती है इसमें ओनली जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे अगर आप देखते हो कि यहाँ पे लिखा है ऑल इंडिया, तो सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर ट्रेडमैन म्यूजिशियन, सोल्जर ट्रेडमैन 8वीं पास और सोल्जर क्लर्क, ये ओनली ऑल इंडिया कहीं से भी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेडमैन और क्लर्क में और म्यूजिशियन में, ठीक है। अब बात कर लें क्लर्क में जो है कि ओनली ब्रदर और फादर रिलेशन वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि जैक लाई रेजिमेंटल पर्सनल ओनली, ठीक है, ओनली जैक लाई वाले ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज कट ऑफ की बात करें तो 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 यहाँ पर रखी गई है। हाइट वेट चेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो कि आप पढ़ लेना। नीचे आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी है डॉक्यूमेंट्स की, अलग से एक वीडियो बना के आपको बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोरोना से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं जो कि आपको नीचे एक दो सर्टिफिकेट मिल जाएंगे जो कि आपको बनवाने पड़ेंगे, जैसे कि कोविड-19 फ्री सिप्टोमेटिक और नोरिक सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है नोरिक सर्टिफिकेट का और कोविड-19 फ्री सिप्टोमेटिक सर्टिफिकेट का, तो दोनों आपको मिल जाएंगे। और आपको ये पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।